देखो सुबह सुबह हमारी सुबह हो गई और सिम्बा को बारिश नहीं पसंद और बारिश आ रही है, आपको दिख रही है देखो। और टोमू बोल रहा है कि मैं ना आऊंगा। देखो टोमू को देखो, उसको जरा भी पानी से कुछ नहीं है। सब बिल्ले भागते हैं ना, ये तो जरा नहीं भागता। और देखो ये दोनों भी धीरे 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 छुप रहे हैं। आना है सिम्बा को बट पानी में नहीं आना, और इसको मजा आ रही है कि मैं ना लूं। ए टॉम देखो किस तरह से कर रहा है, बेस बैठ गया। देखो यहाँ पे नहीं आएगा वो, पानी का तो चोर है ये सिम्बा। नाने में भी ऐसा करता है। बारिश हो रही है अभी। और देखो मैं भी सुबह सुबह उठ के ऊपर ही आ गई हूँ। ऊपर का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा है। और देखो ही पूरा गीला हो चुका है। इसको वैसे भी नई नई करवानी है, इसलिए मम्मा बोल रही है कि गीला होने दे इसको, फिर अच्छे से फ्रेश कर देंगे। बहुत अच्छा माहौल है, देखो पकड़ रहा है मुझे। छोटू और मम्मा नीचे कपड़े धो रही है, नाश्ता भी कर रही है, साथ साथ में दोनों काम कर रही है। मुझे थकान ज़्यादा लगी है तो मुझे, आप देख सकते हो मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है, थोड़ी सी बीमार हो गई। माहौल भी इस तरह से ना इसकी वजह से। और आप सब देख सकते हो ये कपड़े 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 कपड़े, क्यों मम्मा जी? और क्या कर रही है मम्मी? कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धो रही है, ये सभी निकाले। देखो 2 दिन हम नहीं धोते ना कपड़े हमारे, ये मोहरम के 9 और 10 को हमने नहीं धोए थे। मेरी अम्मी नहीं धोती तो इतने सारे हो जाते कपड़े, हमारे कपड़े की बरकत है। आप सब भी बोलना किस किस के घर में इस तरह से कपड़े ज्यादा हो जाते हैं। हाँ इतने होते हैं। तो देखो अम्मी वो कर रही थी, यहाँ पे देखो रोटी और मेरा नाश्ता भी किया और सब काम कर रही है। कयूम भाई अभी तक सोया पड़ा है, उसका नाश्ता बाकी है। और सामने इतने तो धुल के आ चुके हैं, अब इसको मैं करूंगी अच्छी तरह से रख के कबाट बबाट में रख दूंगी। तो चलो बस मैंने अपने कपड़े अच्छी तरह से सिमेट लिए हैं, अब इसको ऊपर हमारे दोनों भाई बहन के ऊपर कपड़े रख दूंगी, वो सब अपनी जगह जगह पे रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब अच्छे ही माशाल्लाह। और देखो कल का व्लॉग ऐसे ही यहाँ पे यहीं से कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि कल का व्लॉग कुछ बना नहीं था थकान के हिसाब से। और आज से शुरू सोफी ने भी किया, क्योंकि सोफी आज देर से उठी। तो चलो रहो हमारे साथ। हाँ अम्मी क्या बना रही है? मटन 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 आज पक रहा है, मटन की रेसिपी। ये रहा देखो यहाँ पे चावल बन गए। हाँ। चावल बना लिए, रोटी बनी हुई है, रोटी हाँ। बनी हुई है बस। तो कुछ नहीं करना, ये करके खा लेंगे, खा के सो जाएंगे। हाँ। सो के वसन में उठेंगे, बाद में रूटीन वही जो होता है रोज का। हाँ। कोई दिख नहीं रहा गली में तो, अभी भी नहीं दिख रहा। कल का भी कोई नहीं दिख रहा था, आज भी कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा गली में, कोई नहीं दिख रहा। पता नहीं इसलिए है ना सबको। हाँ उसकी वजह से, उसकी वजह। तो बस कल का जो ये व्लॉग कंटिन्यू आज किया हुआ है, तो कल बस वो ताजिए का जो सीन था ना वही मैंने थोड़े बहुत डाले हैं। और ज्यादातर आपको देखना हो तो मिस्टर कयूम सुमरा के व्लॉग में देखना, उसमें सब भी पूरे पूरे ताजिए उसमें है जी। है ना मम्मा? उसमें कयूम ने सब लिया हुआ है। हाँ कयूम ने कहा हम जाते नहीं है। हाँ, वो इस ये भी जो सोफी डालेगी ना वो थोड़े बहुत राजीन ने दिए उसको। हाँ। वो डालेगी और कयूम ने खुद उसका लिया है, लिया हुआ है, बनाया है। हाँ तो बनाया है तो उसमें सब। हाँ। तो ये भी मुझे राजीन ने दिया था, वो सब थोड़े बहुत क्लिप्स थे तो इसमें मैंने डाले। तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तो उसकी वजह से लड़के इतने कुछ शूट भी नहीं कर पाते। कयूम ने भी मान मेहनत से किया है। क्यों मम्मा?
कई बोल रहा था ना कि मेहनत बोल तो मैं कुछ नहीं सका क्योंकि आवाज पब्लिक बहुत ज्यादा थी, रश बहुत ज्यादा था, कुछ आवाज नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से। तो बस आप सब देख सको कि जामनगर में माशाल्लाह इस तरह से हर साल होता है, इस तरह से होता है। और ताबूत भी बोल सकते हैं, ताजे भी बोल सकते हैं, हाँ दोनों बोल सकते हैं, इमाम खाना भी बोल सकते हैं, मातम भी बोल सकते हैं। तो हमारे देखो सब मुसलमान ही है और सबकी जीबान सिर्फ अलग अलग है, हाँ बाकी लैंग्वेज अलग अलग है, हाँ लैंग्वेज अलग अलग है, बाकी तो सब मीनिंग वही होता है, बाकी सब उसने आसी की है। तो किस तरह से, और मेहंदी है ना ये इमाम कासिम के नाम के साथ में धुई पे लगा हमारे यहाँ पे करते, हाँ, कोई दूध की हेल्प भरता है, कोई कुंजे भरता है, कोई मेहंदी लगाता है, मेहंदी रखता है इमाम कासिम के नाम की, हाँ, तो और अजमेर में भी है, हाँ अजमेर में भी है। और हाँ तो यहाँ पे ये मैं नहीं थी ना तो नहीं की हुई थी मेहंदी, वरना मम्मी हर साल करती है, तो मेरे लिए उसने रखी थी कटोरी कि तू आए ना तब मैं रखूंगी, हाँ इसलिए अजमेर गई थी ना, रहती है ना, हाँ, तो उसने मेरे लिए खास करके रखी थी कि तू आ जाए ना बाद में रखेंगे, क्योंकि उसने तो सब दिन उसने के एक ही दिन है, बस उसकी याद में सब करना है, नियाज नजराना बाकी खाना तो मैं ही है, सही है ना, जो उसको वहाँ पे जाएगा वो सच्ची इबादत और रोजी इबादत ज्यादा। तो वैसे भी हम पोरबंदर के हैं तो थोड़ी बहुत हमारी अलग है, बट मीनिंग वही होता है। तो बोलते हैं ना कि कोई नहीं बोलता ना तो उसको हंसी ज्यादा आती है, तो हंसो हम तो सच्ची बोल रहे, कुछ अलग नहीं हो रहा, हम किस पे हंसते, हम आप सब पे हंसते नहीं नहीं आप मजाक कर रहे, मजाक कर रहे सोफी, हाँ और सबके अलग अलग तो अच्छा लगता है, नहीं आप सब हमें बोलते हो ना तो हमें भी सीखने मिलता है, क्योंकि बार अलग अलग किस तरह से हमने सबका अलग अलग रहता है, तो उसकी वजह से। और आप सब भी अलग बोलते हो, हमें मीनिंग एक ही होता है पर सबका बोलने का तरीका अलग अलग, आप हमें सिखाते हो तो हमें अच्छा लगता है कि क्योंकि हमें भी सीखने मिलता है, क्योंकि हम नहीं कमेंट कर रहे उसका नहीं बोल, वैसे भी है कई लोग है उसका मैं बोल रही हूँ कि हंसो हमें आपकी बात पे हंसी आती है, नहीं नहीं तो मेरी बोलती है कि आप सब छोड़ दे तू भी मेरी तरह, अल्लाह पहले मेरी अम्मी इस तरह से नहीं थी, मैं जैसी हूँ ना इस तरह से थी, इससे भी ज्यादा, हाँ इससे भी ज्यादा। तो अब मेरी अम्मी बोलती है कि तू अल्लाह पे छोड़ेगी ना तो उसकी उसका वो करेगा ना वो सच आए, क्योंकि मैंने खुद ही देखा हुआ है, जो मेरे पीछे ऐसे ऐसे इंसान थे ना उसका अल्लाह ने ऐसा ऐसा किताब लिया हुआ है, तो अल्लाह से मैं भी तौबा करती हूँ, अल्लाह मेरे से कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दो, मैंने जो इतना गुस्सा किया पहले, मेरी चढ़ती उम्र में मैंने गुस्से वाली थी, मैंने बहुत सारे लोगों को पीटा हुआ है, अब नहीं करती, अब मुझे वो समझाती, जब से मुझे इलम का मालूम हुआ ना मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना मैं पढ़ी हूँ ना मैं इतना लिखा, मैं स्कूल में गई हूँ तो यहाँ पे जामनगर में आई हूँ, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इलम किया है, और जैसे जैसे मालूम पड़ता गया ना उसे ऐसे ऐसे मेरा दिमाग ठंडा हो, मम्मी अलग ही हो गई, अब बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ, समझाती हूँ, हम गुस्सा करते हैं ना तो थोड़ा बहुत जी, वरना आप मुझे ये बोलोगे ना दिवाली कब है होली कब है तो ये मुझे, क्योंकि मैं बचपन में ना उसमें ही नहीं था, हम पूरे मम्मा हिंदू के एरिया में रह रही थी तो सब हमें वो ही पता है, ज्यादा अभी तक मेरे इतने माशाल्लाह सबके साथ मेरे रिलेटिव है हमारे, ना मैं पोरबंदर जाती हूँ, मेरे गांव के ससुराल में जाती हूँ जहाँ पे मैं पहली बार मैं शादी करके गई थी, तो जान लुटाते सब हमारे लिए, तो इंशाल्लाह कभी भी जाएंगे तो बताऊंगी, हाँ इंशाल्लाह जरूर, तब तो सब अम्मी ने छोड़ दिया ना, मैं भी बोल रही हूँ गुस्सा मत करो जो भी करे, हमारे कहने से कुछ नहीं, हाँ हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, इसकी वजह से तो हम वहाँ से निकल जाए, हम इस तरह से बोलती है, आपको ना अच्छा लगे तो निकल जाओ, निकल जाओ बस, हाँ सुनो हिम्मत, एक तीन बार सिखाओ, एक बार बोल दो कि हमारी अली ने फरमाया कि तीन ही बार कहो उसको, उससे ज्यादा मत कहो, क्यों मम्मा, हाँ बाद में छोड़ दो अल्लाह पर, हाँ अल्लाह पे छोड़े ना, पीछे पड़े ना तो भी उसको बोल दो कि जीबान तो मेरे पास भी बोल दो, देखो इंसान अल्लाह पाक ने जीबान नहीं दी ना, ताकत तो उसके पास भी है, लेकिन मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि ताकत इस्तेमाल करो तो मुसल्ले पर, नियाज नजराने पर, बाकी इसमें मत करो क्योंकि ये बहुत गुनाह है, तो बस ये जो पीछे पड़े हुए ऐसे लोग ऐसे वो अपने गुनाह रहने दो उसको यहीं पे, वो गुनाह धो रहे होते अपने तो धोने दो, क्योंकि नबी ने हम भी गलतियां करते है नहीं करते, इंसान है कहीं पे भी वजह की, इन लोगों हमारे धो देते गुनाह,
बस आप लोग हमारे साथ गलती हो जाए तो हमें सिखाओ, कोई बात नहीं, आप तो सिखा ही रहे हो। जो जो कमेंट कर रहा है ना, बहुत माशाल्लाह कमेंट कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम सीखते भी है। ये थोड़ा बहुत हम बोल रहे हैं वो दूसरे लोगों के लिए है, तो वो समझ ही जाएंगे। तो हमारे वो जो देखते हैं उसको भी पता चल जाता है कि हाँ फैमिली में ही रहता ही है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं। वो तो रहता है, वो तो चलता रहता है, दिमाग में नहीं लेना, नहीं क्योंकि अल्लाह का बस साथ दे तो सुकून मिलता है। ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, अब तो हंसी आती है ना मम्मा, अब तो ऐसा ऐसा बोलते हैं हंसी आती है। व्लॉग को क्या समझते हैं, क्यों मम्मा? वैसे तो यहाँ गुजरात में इतना व्लॉग का कुछ क्रस है ही नहीं, नहीं समझते ही नहीं, ज्यादातर किसी को मालूम ही नहीं है, मुझे खुद नहीं मालूम। और देखो ये किस तरह से है हमारा घर का व्यू, दिख रहा है कुछ वहाँ पे पड़ी हमारी गाड़ी, यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने और सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी, तो देखो किस तरह से ये सब है। और आज तीसरा दिन है इमाम का, तो आज एक लास्ट दिन पूरा पड़े ये सब लेडीज बैठेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं साफ सफाई अभी करेंगे 3 बजे के बाद। फिर मेरे उसे है। तो बस मैं नहा धो के निकल चुकी हूँ, तो आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। खा पी के हम फ्री भी हो चुके हैं, अभी खाना खा के खड़े हुए फिर मैं नहाने गए, तो बस मैंने सोचा कि यहीं पे एंड कर देती हूँ ये व्लॉग का, फिर इसके आगे का कंटिन्यू कर पाऊँ। तो बस यही कहना था, तो आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।